लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं। हम आज का वीडियो जो बना रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में आपको कब्ज की अगर समस्याएं हैं या होती हैं तो हमारे एक घरेलू उपाय आप यूज कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ और कैसे आपको ये उपाय करने। प्रेगनेंसी में महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं में कब्ज को भी शामिल किया गया है। प्रेगनेंसी में महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उनको कई तरह के लक्षण महसूस होते हैं। इस समय महिलाओं का पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, जिसके कारण उन्हें कब्ज की समस्या होने लगती है। प्रेगनेंसी में अधिकतर महिलाओं को कब्ज की वजह से बवासीर तक की समस्या हो जाती है, लेकिन ये समस्या कुछ समय के लिए होती है जो बच्चे के जन्म के बाद ठीक हो जाती है। प्रेगनेंसी में पेट के निचले हिस्से पर दबाव बनाता है, जिसकी वजह से महिलाओं को कब्ज होने लगती है। अधिकतर महिलाओं को ये समस्या परेशान करती है, लेकिन कुछ घरेलू उपायों के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है। अब प्रेगनेंसी में कब्ज के घरेलू उपाय क्या हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेगनेंसी में कब्ज होने पर महिलाएं सेब का सेवन कर सकती हैं। आपको बता दें कि सेब में पेक्टिन नामक तत्व होता है, जो बाउल मूवमेंट को बढ़ावा देता है। इस वजह से प्रेगनेंसी में सेब खाने की आदत डालनी चाहिए। एक सेब रोज खाने से पेट की कई परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाती है। हमारा दूसरा उपाय है नींबू का रस। नींबू पाचन क्रिया को दुरुस्त करने का काम करता है। प्रेगनेंसी में नींबू पानी पीने से महिलाओं को विटामिन सी मिलता है, जिसकी वजह से उनका पाचन तंत्र बेहतर होता है और मल सॉफ्ट बनता है। स्टूल सॉफ्ट होने से उसे पास करने में महिलाओं को परेशानी नहीं होती है, लेकिन इस समय महिलाओं को एक गिलास ही नींबू पानी पीना चाहिए। ज़्यादा नींबू पानी पीने से उन्हें अन्य कई समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए पड़े एक गिलास पानी, एक गिलास नींबू पानी वो ध्यान रखें, उससे ज़्यादा आप मत पिए। हमारा अगला उपाय है शरीर में पानी की कमी होने पर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कब्ज की समस्या होने लगती है। इसलिए प्रेगनेंसी में महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने चाहिए। वो छाछ भी हो सकती है, वो जूस भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है। इससे आहार को आंतों में घूमने में आसानी होती है, साथ ही महिलाओं का स्टूल सॉफ्ट होता है। हमारा अगला उपाय है अलसी के बीज का सेवन करना चाहिए आपको। अलसी के बीज का उपयोग भी प्रेगनेंसी में कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर होता है। अलसी के बीज को रात में पानी में भिगोकर रख दें और अगली सुबह उस पानी को उबाल लें। उसके बाद पानी को ठंडा करके पीने से कब्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारा अगला उपाय है प्रेगनेंसी में मसाज करने से कब्ज की समस्या दूर होती है, लेकिन इस समय बेहद भी हल्के हाथों से पेट की मसाज करनी चाहिए। इससे स्टूल को पास करने में मदद मिलती है। पेट में सर्कुलर मोशन में बिना दबाव दिए हुए मसाज करना चाहिए, इससे कब्ज में आराम मिलता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कब्ज होने पर महिलाओं को डाइट में बदलाव करना चाहिए। उनको अपनी डाइट में फाइबर युक्त आहार को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा इसबगोल की भूसी से भी आप कब्ज की समस्या को कम कर सकती हैं। हो सके तो कम मसाले वाले भोजन आप करें तो आपको उससे भी राहत मिलेगी।
तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।